चलो 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 जल्दी चलो चलो। ओ बॉय ठहरो भैया। भैया नहीं एक पुलिस ऑफिसर जो तुम सबको फ्रॉड और धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया है। क्या जमाना आ गया है। मेरी बात तो छोड़ो, तुम दोनों तो उसके सगे भाई हो, तुमको इस तरह बंद कर दिया। ठीक कहा है किसी ने, आजकल भाई भाई का नहीं रहा। कमाल की बात करते हो अंकल, भाई भाई वाली बात नहीं है। हम ऐसे बेईमानी और हेरा फेरी के धंधे करेंगे तो भैया जैसा शरीफ और उसूल वाला पुलिस ऑफिसर क्या हमें छोड़ेगा। अजीब आदमी हो तुम दोनों, जिसने बंद किया है उसी की तरफदारी में बात कर रहे हो। भाभी भाभी ये क्या फैमिली ड्रामा है भाई। चलिए इधर आइए आप दोनों। भाभी देखिए, भाभी पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। एक मिनट भाभी, प्लीज आप हमारी बात सुन लीजिए। नहीं भाभी, पहले हमारी बात सुनिए। जो हो गया सो हो गया, हमसे गलती हुई हम मानते हैं, लेकिन हुआ यूं कि हम तो मजाक कर रहे थे और मजाक ही मजाक में बात बढ़ गई, तो हमने सोचा कि चलो लोगों को यूं ही बेवकूफ बनाते हैं। हमें क्या मालूम था कि क्यों ना भैया। हाँ भाभी, हम तो समझते थे कि ऐसे ही है। हमें क्या पता था कि दरअसल बात यह है कि कर दीजिए। मेरे हाथों का बना खाना बहुत दिनों से नहीं खाया तुम लोगों ने। हेलो, लेकिन मैंने ड्यूटी ऑफिसर से इजाजत ले ली है। हाँ लाओ, अच्छा क्या ले आई, वरना अब तो कई महीनों तक हमें जेल की रोटियां तोड़नी पड़े। कितने दुख की बात है, जिनका भाई इतना ईमानदार और शरीफ इंसान हो वो लोग ऐसे काम करते हैं, पकड़े जाए। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं तुम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक भाई, एक पति और एक पिता होने से कहीं पहले वो एक ऐसे पुलिस अफसर हैं जो कानून की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ बाजी पर लगा सकते हैं। क्या? Are you sure? ठीक है। क्या हुआ रंजीत? हमारे बोट्स सारा सामान पुलिस ने पकड़ लिया। My God! फिर वही ऑफिसर? हाँ, शिव कुमार। अब प्रॉब्लम तो यह है कि शाकाल साहब को पता चला तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। लेकिन शाकाल साहब को बताना तो पड़ेगा ही। वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन कौन कहेगा उनसे। मेरे ख्याल से तो हम सब जेंटलमैन सिट डाउन। शाकाल साहब, हमें एक न्यूज देनी थी आपको। मैं जानता हूं, बैठो।
तुम लोग समझते हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता, क्यों? लेकिन आज मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक तुमने न देखी होंगी और न सुनी। पहली बात, ये इत्तफाक नहीं था कि पुलिस ऑफिसर शिव कुमार ने हमारी बोट, हमारा लाखों का सामान पकड़ा, बल्कि हमारे ही एक आदमी ने उसको इंफॉर्मेशन दी। हमारे किसी आदमी ने? हां, हमारे ही किसी आदमी ने। खैर, जो हो गया सो हो गया। ये मेरा नया शौक है, मेरा नया खिलौना। नहीं समझे? समझ जाओगे। अब तुम इस खिलौने का खेल देख। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। क्यों, हमारा खेल पसंद नहीं आया? खैर, हम उस आदमी के बारे में बात कर रहे थे जिसने हमारे सामान के बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन दी। मैं जानता हूं वो आदमी कौन है। आप जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। वो आदमी तुम में से एक है। क्या? हां, तुम में से एक। तुम लोग ठीक सोच रहे हो। हर एक कुर्सी के लिए यहां एक बटन है जिसे दबाते ही आदमी इस भूखे मगरमच्छ की खुराक बन सकता है। लेकिन शाकाल साहब, वो हम में से कौन है? हो सकता है तुम हो, तुम भी हो सकते हो। नहीं, या तुम, या तुम। थोड़ी देर में तुम चारों में से बाकी तीन ये जान जाएंगे कि वो गद्दार कौन है, क्योंकि उसके जिस्म के टुकड़े इस भूखे मगरमच्छ के तेज और नुकीले चबड़ों में होंगे।
नहीं शकल साहब, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बताओ बेटा कहाँ चले? वहाँ चांद सीख पे। अच्छा संतरी जी, आज्ञा दीजिए। एक बार अंदर आए थे, फिर कभी नहीं आएंगे। चलो रवि। हाँ चलो भाई चलो, आदमी जितनी जल्दी जेल से दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। क्या पता कब इनका इरादा बदल जाए। चलो ठहरो रवि, आओ इस जेल की ऊंची ऊंची दीवारों की कसम खाकर अहद करें कि आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें इन दीवारों के उस तरफ जाना पड़े। सचमुच मुझे बहुत हो गया, अब हमें शराफत की जिंदगी शुरू करनी चाहिए। इरादा तो अच्छा है भैया। हाँ आज तुम मुझे भैया कह सकते हो, इसलिए कि उस दिन तुम दोनों को गिरफ्तार एक पुलिस अफसर ने किया था, लेकिन आज इस जेल के गेट पर एक भाई अपने भाइयों का इंतजार कर रहा था। भैया हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दीजिए भैया, हम जानते हैं कि हम दोनों की वजह से आपको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। मेरे माफ करने या ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं तो एक भाई होने के नाते सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि अब तुम लोग यह वारगी, यह गैर जिम्मेदारी की जिंदगी छोड़कर सही रास्ता अपना लो। यकीन कीजिए भैया, अब ऐसा ही होगा। गुड, वेरी गुड, चलो घर चले। भैया समझ में नहीं आता कि भाभी के सामने ये मुंह लेकर कैसे जाएंगे।
अरे फिक्र मत करो, आज तुम्हारी भाभी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। क्यों? आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपकी शादी की सालगिरह? अरे बस बस बस, फिर तो हम ऐसे आएंगे कि मतलब क्या है? उन स्मगलर्स के पास जाकर माफी मांगूं या अपनी जान बचाने के लिए बुजदिलों की तरह ये नौकरी छोड़ दूं? भैया बात हमेशा बुजदिली या बहादुरी की नहीं होती, कभी कभी जिम्मेदारियों की भी होती है। हम ये नहीं कहते कि जिंदगी में फर्ज की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फर्ज के नाम पर इस तरह जान खतरे में डाल देना कहां तक ठीक है? भैया देखिए ना, अगर यही हालात विजय या मेरे सामने होते तो और बात होती, लेकिन आपको भाभी और गुड्डी के लिए भी तो सोचना चाहिए। ठीक है, तुम दोनों ठीक कहते हो, मैं शीतल और गुड्डी के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता हूं, लेकिन तुम दोनों ने कभी यह भी सोचा कि मेरी जगह जो दूसरा पुलिस ऑफिसर आएगा उसकी भी बीवी होगी, उसके भी बच्चे हो सकते हैं? अगर दुनिया का हर पुलिस ऑफिसर अपनी हिफाजत के बारे में सोचना शुरू कर दे तो शायद कानून जैसी कोई चीज ही ना बचे। आप नहीं जानते भैया कि भाभी आप क्यों नहीं समझाती भैया। इन मामलों में मेरी बातें कहां सुनते हैं, लाखों बार यही बातें मैंने कही हैं, लेकिन कोई मानने वाला हो तब ना। ओफो, तुम सब ने तो मिलकर राय का पर्वत बना लिया है। आखिर मुझे हुआ क्या है? आज तक तो कुछ हुआ नहीं, और अगर कुछ हो भी गया तो फिक्र क्या है? तुम दोनों तो हो शीतल और गुड्डी की देखभाल करने के लिए। अरे जैसे जिंदगी ने दो जवान भाई दिए हूं, वो मौत से कैसे डर सकता है? हेलो शिवियर। मिस्टर शिव कुमार, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपकी पनाह चाहिए। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? रंजीत, वही रंजीत जिसने आपको शाकल के सामान के बारे में खबर दी। शाकल को सब कुछ पता लग चुका है, उसके आदमी मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं अहमदाबाद हाईवे के चाइना ब्रिज के पास से बोल रहा हूँ, आप फौरन यहाँ आ जाइए, जल्दी प्लीज।